हेलो दोस्तों नमस्कार। उमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है या जो हमारे सब्सक्राइबर्स भाई बंधु हैं आप सबके लिए कि एनएससी की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसदीय समिति की सिफारिश से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में दो गुने की वृद्धि की जा रही थी, लेकिन एनएससी की टीम के द्वारा सीधा सीधा अच्छा एक भाषण आप को देखे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा एनएससी की टीम के द्वारा एक लाइव डिबेट में जो इस बात को रखा गया कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और हम जाएं तो जाएं कहां, प्रशासन के पास जाते हैं प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं, सरकार के पास जाते हैं सरकार के माध्यम से भी हमें आश्वासन मिलता है। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जानकारियां दी गई, उनको अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित कोई जो तो बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसी कदम न उठाने की वजह से हम जितने भी ईपीएस 95 पेंशन से वो माननीय श्रम मंत्रालय के कार्यालय के ऑफिस के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा, अमरण अनशन नहीं होगा, नहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका होगा काला झंडा लेके ईपीएस 95 पेंशन साथ ही साथ में घेराव भी करेंगे, उनकी ऑफिस के चारों तरफ घेराव करेंगे, उनका घेराव करेंगे और जहां वो मिलेंगे वहां पे उनका घेराव करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन जब तक वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। एनएससी की टीम का यह कदम ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन की तरफ एक कदम और ले जाने में कारगर साबित हो जाएगा। कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। आप देखिए एनएससी की टीम के द्वारा यह अपडेट जो तो जैसे ही दिया गया रिलीज किया गया सुनने में आ रहा है कि माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से एनएससी के टीम के साथ मुलाकात करने को माननीय श्रम मंत्री जी तैयार हो गए। अब एनएससी की टीम अगर माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात करती है तो वहाँ पे ये बात तो पहले से ही माननीय कमांडर अशोक रावत जी बोल रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अब रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन आश्वासन के दम पे काफ़ी दिनों से जो तो निर्भर है आश्वासन पे ही, और हम पिछले 6 सालों से ईपीएस 95 पेंशन नहीं सिर्फ आश्वासन लेते चले आ रहे हैं, तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें जो तो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप पेंशन देने में सक्षम नहीं है, अगर हमें आप पेंशन नहीं देते हैं तो जो पैसा हमने जमा किया है उस पैसे को रिफंड करिए, तुरंत ईपीएस 95 पेंशन्स को दे दीजिए, वो आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पेंशन नहीं चाहिए, आप जो पैसा आपके पास जमा है पेंशन में वो पैसा जो है तो ईपीएस 95 पेंशन्स को दे दीजिए, पेंशनर्स आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो ये जो बातें सामने निकल के आ रही है एनएससी की टीम के द्वारा और माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा, अब ये तो देखना यही है कि माननीय श्रम मंत्रालय के माध्यम से और एनएससी टीम के बीच में क्या बातें होती हैं, अगर मुलाकात होती है, अगर मुन्ने को बुलाया जाता है तो। फिलहाल यही अपडेट सामने निकल के आ रही है एनएससी की टीम की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन को उच्च पेंशन से संबंधित जानकारी। बाकी दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मुझे तो लग रहा है कि अब ईपीएस 95 पेंशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अब ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो बाकी दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी जो तो शेयर कर दें, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें यार, क्योंकि यही लाइक सब्सक्राइब के लिए तो हम लोग ये सब करते रहते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो को जो तो शेयर कर दिया करें, और जो तो चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल जो तो लाल वाला बटन होगा, लाल बटन अगर रहेगा तो ही बटन को प्रेस करें, अगर बटन पहले से ग्रीन हो गया है दूसरे तरीके का है लाल नहीं है तो प्रेस ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।